नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं MIUI 13 के बारे में। तो यहाँ पर अपना जो पोको F1 डिवाइस है, इसके लिए MIUI 13 का जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के ऊपर हम इसी रॉम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले देख पाओगे ये जो रॉम है दोस्तों, रॉम KT Pro की तरफ से हमें देने को मिल गया है अपने पोको F1 डिवाइस के लिए MIUI 13 के साथ। Xiaomi EU 22.1.5 मतलब 5th जनवरी 2022 का जो बिल्ड है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। Android 11 के साथ ये जो रॉम है हमें देने को मिलता है। देखिए पर यहाँ पर Android 11 हमें यहाँ पर देने को मिल गया है। यहाँ पर 2022 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी देने को मिलता है। जो January 1, 2022 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है, जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है, वो भी हमें यहाँ पर देने को मिल गया है। तो इससे पहले भी दोस्तों अपने पोको F1 डिवाइस के लिए MIUI 13 अवेलेबल हुआ था Android 12 के साथ, बट ये जो हमें दोस्तों Android 11 के साथ अवेलेबल हुआ है अपने पोको F1 डिवाइस के लिए MIUI 13 के साथ। एंड लेटेस्ट जो वर्सन है वो हमें यहाँ पर देने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। अगर बात करूँ क्या क्या फीचर्स देने को मिलता है, क्या क्या ऑप्शन हमें देने को मिलता है, ऑलमोस्ट सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाते हैं, सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाते हैं, कोई भी बग हमें यहाँ पर इस रॉम के साथ देने को नहीं मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर देख पाओगे जो मैजिक से आपको बाय डिफॉल्ट देने को मिलेगा। ये जो रॉम है दोस्तों प्री रूटेड रॉम है, आपको अलग से इस रॉम के ऊपर जो मैजिक से उसे आपको इंस्टॉल नहीं करना होगा, बाय डिफॉल्ट आपको जो है मैजिक्स देने को मिल जाएगा। इस रॉम के साथ आपको जो डॉल्बी का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है, डॉल्बी डिजिटल प्लस को भी ऐड किया गया है। ये सभी जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर डॉल्बी डिजिटल प्लस के ऊपर देने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। डॉल्बी का जो सपोर्ट है बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर जो है इस रॉम के साथ देने को मिलता है, जो कि काफी सही बात है। एंड अगर बात करूँ और क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है, वाईफाई काम करता है, ब्लूटूथ काम करता है। देखिए बारो यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, एंड यहाँ पर फ्लैश लाइट भी काम कर जाता है, ऑटो ब्राइटनेस वो भी काम करता है, एंड यहाँ पर जो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन वो भी आपको देने को मिल जाएगा। कॉन्ट्रोल सेंटर के साथ जो ब्लर है वो भी आपको यहाँ पर देने को मिलता है। एंड MIUI 13 का जो नया वाला जो कॉन्ट्रोल सेंटर है यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर MIUI 13 का जो नया वाला जो विजेट्स है उसे भी ऐड नहीं किया गया है। MIUI 13 का जो कॉन्ट्रोल सेंटर है वो भी आपको यहाँ पर इस रॉम के साथ देने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पर MIUI 13 का जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। देख सकते हो MIUI 13 का जो लाइव वॉलपेपर है यहाँ पर ऐड करके दिया गया है इस रॉम के साथ, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड MIUI 13 का जो फॉन्ट है उसे भी ऐड किया गया है इस रॉम के साथ, उसे भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सभी जो लाइव वॉलपेपर है इसे ऐड किया गया है इस रॉम के ऊपर। यहाँ पर आपको इस रॉम के साथ जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है उसे भी ऐड किया गया है, AOD को भी आप यूज कर सकते हो। सो पोको F1 डिवाइस के लिए तो AMOLED डिस्प्ले है नहीं, इसलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर से कोई भी काम कर रही है। एक्चुअली इसके साथ आपका जो बैटरी है थोड़ा सा ज्यादा ड्रेन होगा, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जो यूज करने की जरूरत नहीं है। बट आपको फिर भी यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर्स आपको देने को मिल जाएगा, इसे भी आप यूज कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर्स है आपको यहाँ पर देने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इस रॉम के साथ जो पॉकेट मोड है वो भी आपको देने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की अगर बात करो आपको यहाँ पर जो शेड्यूल डार्क मोड का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर जो सनलाइट मोड है उसे भी ऐड किया गया है। रीडिंग मोड की अगर बात करो आपको यहाँ पर जो रीडिंग मोड है वो भी काम कर जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। रीडिंग मोड को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो कलर कैलिब्रेशन मोड है वो भी आपको यहाँ पर देने को मिलेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करो, जो साउंड असिस्टेंट है इसे भी ऐड किया गया है। आपको ये दो ऑप्शन जो है साउंड असिस्टेंट के ऊपर देने को मिलेगा। एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स, मल्टीपल ऑडियो सोर्स का जो ऑप्शन है, दो ऑप्शंस आपको देने को मिलेगा। प्लस साइलेंस मोड है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी आपको यहाँ पर देने को मिल जाएगा। अगर बात करूँ एडिशनल सेटिंग्स की, तो ये सभी जो ऑप्शंस आपको देने को मिलेगा। आपका जो टैप साउंड है, जो डायल पैड साउंड है, उसके बाद आपका जो स्क्रीन अनलॉकिंग का साउंड, लॉक का साउंड, स्क्रीन शॉट का साउंड, सब चाहो तो आप बंद कर पाओगे। ये सभी जो साउंड है सब बंद कर सकते हो। प्लस MI का जो साउंड एनाइजर है उसे भी ऐड किया गया है एंड्रॉइड 11 के साथ। जो साउंड एनाइजर है, जो इक्वलाइजर है, यहाँ पर काम कर जा रहा है, जो काफी बढ़िया बात है। देखिए भाई ये सभी जो ऑप्शन आपको देने को मिलता है। हेडफोन के साथ ये जो साउंड इफेक्ट है काम भी कर जाता है, जो काफी बढ़िया बात है। इसे भी ऐड किया गया है इस रॉम के ऊपर। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर की अगर बात करूँ, नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है आपको देने को नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन इफेक्ट का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है, इसे आप यूज कर सकते हो नोटिफिकेशन इफेक्ट करके है। कंट्रोल सेंटर की बात करूँ, MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है उसे आप यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से है। बट अगर आप चाहो तो MIUI 12 का जो नया वाला कंट्रोल सेंटर है आपको यहाँ पर, MIUI 13 का जो कंट्रोल सेंटर है आपको देने को नहीं मिलेगा। सर्च बार की अगर बात करूँ, सर्च बार के ऊपर आपको ये सभी जो ऑप्शन है देने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सर्च बार के ऊपर ये सभी ऑप्शन को चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो, आपको ये सभी जो है देने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन के ऊपर जो गेस्चर्स एंड जो बटन्स का ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाएगा। गेस्चर्स को अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो बटन्स को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट को हमने ऐड किया है, प्लस जो फेस अनलॉक है उसे भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। फिंगरप्रिंट एंड जो फेस अनलॉक यहाँ पर काम करता है, तो टैप किया बहुत ही फास्ट है। आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफी फास्ट आपको देने को मिलता है, बहुत ही एक्यूरेट आपको देने को मिल जाएगा। बहुत ही जो है जल्दी जल्दी हमारा जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो पा रहा है, बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट आपको यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देने को मिलता है। देखिए बारो बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट है। अगर बताइए फेस अनलॉक कैसा है, तो सिंपली बहुत फास्ट। और एक बार
देखिए भाई साहब, बहुत फास्ट आपको यहाँ पर जो फेस अनलॉक देने को मिलता है, यहाँ पर जो आपको IR फेस अनलॉक ही देने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है जो फेस अनलॉक है काफ़ी फास्ट आपको देने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर बात करिए पर बैटरी बैकअप की, तो इस रॉम का जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बढ़िया है, आपको यहाँ पर जो है लगभग 6 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपको यहाँ पर जो है सेफ बैटरी एंड जो परफॉर्मेंस मोड है वो भी आपको देने को मिल जाएगा इस रॉम के ऊपर। आपको जो है बैटरी बैकअप के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बैटरी बैकअप जो है इस रॉम का काफ़ी बढ़िया है, MIUI 13 के साथ काफ़ी बढ़िया जो है बैटरी बैकअप आपको देने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो इग्नोर एक्सीडेंटल टच ऑन द एज का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, ये सभी जो ऑप्शन है आपको देने को मिलेगा। उनके ऊपर जो स्पीकर है उसके ऊपर जो डस्ट है उसे आपको क्लीन करने के लिए ये जो ऑप्शन है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसे भी ऐड किया गया है। एज वेल आपको यहाँ पर जो है ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का जो फीचर है इसे भी ऐड किया गया है। मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर है, जो वर्चुअल रैम का फीचर है उसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर आपको 3GB के आसपास जो है वर्चुअल रैम देने को मिलेगा। डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट ये जो फीचर्स से आपको इनेबल देने को मिलता है ना, ये जो फीचर्स से इसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो आपको ये सिंपली जो है इस रॉम को इंस्टॉल करने के दौरान जो है फॉर्मुलेटर करना होगा। अगर आप फॉर्मुलेटर करोगे तभी दोस्तों ये जो फीचर से काम करेगा। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन टाइम का जो फीचर है उसे भी ऐड किया गया है। स्पेशल फीचर की बात करूँ साइड बार का जो फीचर है इसे भी ऐड किया गया है, MIUI 12 का ही फीचर है एक्चुअली। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा का जो असिस्टेंट है उसे भी ऐड किया गया है, इसे भी आप यूज़ कर पाओगे जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। प्लस फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन से आपको यहाँ पर MI लैब के ऊपर जो AI प्रीलोडिंग का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है, तो ये सभी जो ऑप्शन आपको देने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो गेम टर्बो मोड है हमें यहाँ पर देने को नहीं मिलता है इस रॉम के साथ, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया है। MIUI 13 के साथ जो गेम टर्बो मोड है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर देने को नहीं मिलता है, बाकी ये सभी जो ऑप्शन है हमें यहाँ पर देने को मिल गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ देखिए बारो यहाँ पर MIUI का जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन से देखिए बारो यहाँ पर MIUI का जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन से हमें यहाँ पर देने को मिलता है। पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ पर आपको नाइट मोड, शॉर्ट वीडियो, पैरानोमा, स्लो मोशन, ये सभी ऑप्शन हमें देने को मिलता है। प्लस टाइमलेस मोड है उसे भी ऐड किया गया है, टाइमलेस मोड के साथ आप जो है वीडियो को भी रिकॉर्ड कर पाओगे, पोर्ट्रेट मोड भी काम करता है, 4K 60fps के साथ भी आप चाहो तो वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, उसे भी ऐड किया गया है। प्रो मोड के ऊपर आपको ये सभी जो ऑप्शन से देने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, तो प्रो मोड भी यहाँ पर काम करता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। जो स्टॉक MIUI का जो कैमरा एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट देने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको HDR मोड, डायनामिक शॉट्स, AI कैमरा, ये सभी जो ऑप्शन से आपको देने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर कैमरा टू API के बारे में देख सकते हो, कैमरा टू API के ऊपर जो है हमें यहाँ पर फुल का सपोर्ट देने को मिलता है, तो कैमरा के साथ कोई भी प्रॉब्लम आपको देने को नहीं मिलता है। देखिए बारो यहाँ पर जो कैमरा को एप्लीकेशन से वो भी काम कर जाएगा। मार्क के ऊपर हमें यहाँ पर 1790 का जो स्कोर देने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, तो एंड्रॉयड 11 के साथ जो हमें स्कोर देने को मिलता है काफ़ी सही है। अगर बात करूँ देखिए बारो यहाँ पर MI 10 Pro लिखा गया है, तो इस रॉम को शायद MI 10 Pro से पोर्ट किया गया है अपने पोको फोन डिवाइस के ऊपर। सिंगल कोर की अगर बात करूँ 5 to 7 का जो स्कोर देने को मिलता है, मल्टी कोर के साथ 942 GB 5.4.4 के ऊपर, तो हमें यहाँ पर जो सिंगल कोर का जो स्कोर है, मल्टी कोर का जो स्कोर है काफ़ी कम हमें देने को मिला है MIUI 13 के साथ। देखिए बारो यहाँ पर जो स्कोर हमें देने को मिलता है एवरेज स्कोर जो है काफ़ी कम है। सिंगल कोर मल्टी कोर का जो स्कोर हमें देने को मिलता है पोको फोन डिवाइस के ऊपर MIUI 13 के साथ, एवरेज जो स्कोर है काफ़ी कम हमें यहाँ पर देने को मिलता है। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में, तो ये जो रॉम है दोस्तों प्री रूटेड रॉम है, तो यहाँ पर जो है सेफ्टी नेट जो है काम कर जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, सेफ्टी नेट यहाँ पर काम करता है। एंड अगर बात करूँ सीपीयू थ्रोलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए जो सीपीयू थ्रोलिंग टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है यहाँ पर 99, एवरेज है 98, मिनिमम है 92, यहाँ पर कोई भी सीपीयू थ्रोल देने को नहीं मिला है। बट एक्चुअल में यहाँ पर जो मैक्स सीपीयू गया है 2.95 GHz तक तो गया है, बट यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है हमें इतना बढ़िया देने को नहीं मिला है। सीपीयू थ्रोलिंग टेस्ट के ऊपर जो स्कोर देने को मिलता है इतना बढ़िया नहीं है, बट एक्चुअल में अगर आप नॉर्मली जो एप्लीकेशन है उसे अगर आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा जो है डिफरेंस देने को नहीं मिलेगा। ये जो हमें काफी ज्यादा स्मूथ है, डेफिनेटली MIUI 13 का नया बिल्ड है, इसलिए आपको जो है परफॉर्मेंस है इतना बढ़िया शायद आपको देने को नहीं मिलता है। बट नॉर्मली हमने कुछ गेम्स को भी खेला है, गेम्स के ऊपर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो एप्लीकेशन से काफी स्मूथली काम करते हैं, नो इशू एट ऑल, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देने को मिल जाएगा। आपके पास जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन से वो देने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। प्लस ये जो रॉम है दोस्तों प्री रूटेड रॉम है, एंड आपको गूगल का प्ले स्टोर है बाय डिफॉल्ट आपको देने को मिलेगा, आपको अलग से जो GApps है उसे आपको फ्लैश नहीं करना होगा। एंड यहाँ पर कुछ कुछ जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसे आप चाहो तो यहाँ पर जो है अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है कुछ कुछ सिस्टम एप्लीकेशन को आप चाहो तो डिसेबल कर पाओगे, एंड कुछ कुछ को आप चाहो तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो आपको सिस्टम एप्लीकेशन जो है डिसेबल करने का जो फीचर्स है उसे यहाँ पर ऐड किया गया है। तो MIUI 13 का जो कंट्रोल सेंटर है आपको देने को नहीं मिलेगा, MIUI 13 का जो विजेट्स है आपको देने को नहीं मिलेगा, नया वाला जो वॉलपेपर है, नया वाला जो फॉन्ट है आपको देने को मिल जाएगा। एंड इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड करके आपके पोको फोन डिवाइस के ऊपर फ्लैश करके देख सकते हो इस रॉम को किस तरह से फ्लैश करते हैं, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो किया हुआ। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो पोको फोन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट
कर सकते हो। इस सॉन्ग को फ्लैश करने के दौरान जो TWR रिकवरी का जो 3.6.0 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आप यूज कर सकते हो। बाकी ये जो रहा हमें काफी स्टेबल रहा हमें डेफिनेटली इस सॉन्ग को एज ए डे ड्राइवर आप यूज कर सकते हो। MIUI 13 कैसा होने वाला है अपने पोको फोन डिवाइस के लिए उसे अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस रोम को फ्लैश करके देखिएगा अपने पोको फोन डिवाइस के ऊपर। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन से फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, फेस अनलॉक काम कर रहा है, जो फेस अनलॉक हमें देने को मिलेगा इसके ऊपर जो IR फेस अनलॉक का जो सपोर्ट है हमें यहाँ पर देने को नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पर आपको जो है बैटरी बैकअप भी काफी बड़ी है, 6 आवर के ऊपर आपको जो है आराम से बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो गेम टर्बो मोड है हमें यहाँ पर देने को नहीं मिलता है MIUI 13 के साथ। गेम टर्बो मोड है उसे आपको इंस्टॉल करना होगा, बाय डिफॉल्ट आपको जो गेम टर्बो मोड है इस रोम के साथ देने को नहीं मिलता है। बाकी ये जो रोम है काफी बढ़िया रोम है, इस रोम को ट्राई करके देखिएगा अपने फोन के ऊपर। कैमरा टाइप ए भी अवेलेबल है तो इसलिए गूगल कैमरा भी काम कर जाता है। स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा, इवन जो कास्ट स्क्रीन है वो भी काम कर जाता है। प्लस वीडियो कॉलिंग भी काम करता है, और अब व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल करके वो भी काम कर जाता है। वीडियो कॉल के साथ जो माइक है वो भी काम करता है, जो काफी बढ़िया बात है। सो ओवरऑल ये जो रोम है काफी बढ़िया रोम है, स्टेबल MIUI का रोम कह सकते हो, ज्यादा कुछ बग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस रोम के साथ। डेफिनेटली इस रोम को ट्राई करके देखना अपने पोको फोन डिवाइस के ऊपर। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। बाय द वे अगर आप चाहो तो MIUI 13 का जो कंट्रोल सेंटर है उसे आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। प्लस MIUI 13 का जो विजेट्स है उसे आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बारे में मैंने वीडियो किया है, आप किस तरह से अपने MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर, MIUI 13 का जो विजेट्स है उसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो के ऊपर मैंने अच्छे से बताया हुआ आप MIUI 12 के ऊपर, MIUI 13 के ऊपर जो MIUI 13 का नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसे इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। एनीवे बाय बाय।